दिल्ली में एयर पॉल्यूशन पर काबू पाने के लिए 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल पर बैन लगा हुआ है। यानी दिल्ली में डीजल गाड़ियों की लाइफ बस 10 साल की है। लेकिन अब एक बदलाव आपकी गाड़ी को कबाड़ होने से बचा सकता है। जी हाँ, अगर आप अपने डीजल से चलने वाले कार इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलवा लें तो आपकी पुरानी डीजल कार लंबे वक्त तक दिल्ली की सड़कों पर दौड़ सकेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि इंटरनल कंबर्शन इंजन की इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग के लिए दिल्ली एकदम तैयार है। लेकिन इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग होती क्या है, आज नोदिस के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। जानेंगे इसका पूरा प्रोसेस, इस पर खर्च कितना आता है। आप बस बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग आखिर होती क्या है। इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग क्या होती है? रेट्रोफिटिंग का मतलब किसी भी नई टेक्नोलॉजी या फिर नए फीचर्स को किसी पुराने सिस्टम में जोड़ना होता है। जैसे कि किसी पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसके किसी सिस्टम में रेट्रोफिटिंग की जाती है, ऐसे ही किसी भी पुराने डीजल इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में चेंज करने को इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग में फ्यूल से एनर्जी बनाकर उसे पावर में कन्वर्ट करने वाले इंजन की जगह पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, जिनसे व्हीकल को चलाने के लिए पावर प्रोड्यूस की जाती है। इसी टेक्निक की मदद से यूरोप में कई डीजल ट्रकों और बसों से कार्बन उत्सर्जन को कम किया गया है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के कुछ रूल्स भी हैं, इसे लेकर कानून बनाया गया है। चलिए अब इसके खर्च पर भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग में कितना खर्च आएगा? नॉर्मल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदलवाने में कितना खर्च आता है, ये पूरी तरह से कार में लगने वाली मोटर, कंट्रोलर, रोलर और बैटरी के इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। जितने किलोवाट की बैटरी लगवाएंगे और जितने किलोवाट की मोटर लगवाएंगे, उसके बेसिस पर ही आपकी कार में खर्च आएगा। जैसे कि अगर आप 20 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर और 12 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी अपनी कार में लगवाते हैं तो आपकी जेब से करीब 4 लाख रुपए तक जा सकते हैं। अब आपको इसके प्रोसेस के बारे में बताते हैं, क्या होगा इसका प्रोसेस। डीजल कार में इलेक्ट्रिक किट लगवाने की इजाजत तभी मिलेगी जब टेस्टिंग एजेंसी डीजल कार इंजन को फिटनेस को चेक करके अप्रूव करेगी। डीजल कार को सबसे पहले उसके सभी इंटरनल कंबर्शन इंजन के कंपोनेंट्स जैसे इंजन, फ्यूल टैंक, एग्जॉस्ट, ड्राइव ट्रेन से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद कार में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर, एक हाई वोल्टेज वायरिंग सर्किट, बैटरी पैक और कंट्रोल यूनिट होगी। आम जनता पर इसका क्या असर होगा? दिल्ली सरकार के इस फैसले से आपकी कार की उम्र तो बढ़ ही जाएगी, साथ ही साथ डीजल के लगातार बढ़ते दामों से परेशान लोगों के लिए भी ये कुछ राहत लेकर आएगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए जनता अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सोचने लगी है, क्योंकि इसका खर्च काफी कम बैठता है और ये एक चार्ज में लंबी दूरी तय कर सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर तरह तरह की छूट दे रही है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए देश में जगह जगह चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जो लोगों को आसानी से व्हीकल चार्ज करने की सुविधा दे रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी अपनी डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदलवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल नोदिस।